Hello everyone. First of all, welcome to your own channel of Dear Sir and accept my greetings. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. कोशिश करेंगे इस टॉपिक के रिलेटेड हर कोई चीज, हर कोई पॉइंट कवर करने की, ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी चीज या कोई भी क्वेश्चन हमारा एग्जामिनेशन में ना रहे. और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हमने इसमें रखे हैं जो कहीं एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं. बट स्टार्ट करने से पहले सारे दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक अगर आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब इट एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. थैंक यू. लेट्स बिगिन. पहले सॉफ्टवेयर जब हम पढ़ते हैं तो सॉफ्टवेयर पढ़ने से पहले, सॉफ्टवेयर के बारे में जानने से पहले हमें ये ऑलरेडी पता होगा, या जिसको ये पता ना होगा उसके लिए भी ये जानना जरूरी है कि कंप्यूटर जनरली होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर. ठीक. अभी कंप्यूटर क्या होता है वो हमने पिछले लेक्चर में किया है डिस्कस. कंप्यूटर के रिलेटेड हर कोई चीज हमने डिस्कस किया हुआ है. उसके बाद हार्डवेयर क्या होता है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और सॉफ्टवेयर क्या होता है वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सॉफ्टवेयर को समझने से पहले आपको एक दो एग्जांपल्स देता हूं, ताकि आपके दिमाग में जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए. देखो, जनरली क्या होता है कि हमारे घर में हमारे हेड ऑफ द फैमिली होते हैं. मीन्स जनरली हमारे घर में हमारे हेड ऑफ द फैमिली हमेशा हमें इंस्ट्रक्ट करते हैं, हुक्म देते हैं कि आपको बाजार फॉर एग्जाम्पल जाना है. मीन्स हेड ऑफ द फैमिली से हमें इंस्ट्रक्शन मिलता है, हुक्म मिलता है कि आपको बाजार जाना है. ठीक. और फिर बाजार में क्या क्या करना है हमें, मीन्स व्हाट आर द टास्क, कौन से काम हमें उस बाजार में करने हैं, वो भी हमें हेड ऑफ द फैमिली बताते हैं, वो भी हमें हेड ऑफ द फैमिली बयान करते हैं. तो यही जनरली, इसी लॉजिक को पकड़ के बैठो तो सॉफ्टवेयर आपका क्लियर हो जाएगा. मीन्स की इंस्ट्रक्शन होते हैं, हुक्म होते हैं, एक किस्म के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कंप्यूटर को बोलते हैं कि कौन से टास्क आपको, कौन से काम आपको करने हैं, एंड हाउ आर दे टू बी डन, मीन्स और कैसे करने हैं वो, उसको सॉफ्टवेयर हम कहते हैं. ठीक. अभी जनरली हम बोलते हैं, कभी कभी एग्जामिनेशन में आता है सॉफ्टवेयर इज टेंजिबल, इनटेंजिबल, डैश डैश, एक दो ऑप्शन आते हैं इसमें. तो हमें जनरली उधर लिखना होता है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है. तो जनरली स्पीकिंग सॉफ्टवेयर जो होता है ये होता है इनटेंजिबल और अनटचेबल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर. मीन्स वो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं. इधर भी एक एग्जाम्पल मैं दूंगा. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी जो है, अगर आप देखते हो ह्यूमन बॉडी के फीट, ठीक, मीन्स हैंड्स ह्यूमन बॉडी के आपको दिखते हैं. बट जनरली ह्यूमन, इसका मतलब ये नहीं कि ह्यूमन बॉडी का सारा काम जो होता है वो हैंड्स करते हैं या लेग्स करती है जो हमें दिखाई देते हैं. ना भाई, ना ना ना, बिल्कुल ऐसा बात नहीं है. ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है. तो जनरली आप कंसिडर करो हैंड और फीट जो हमें दिखाई देते हैं वो हार्डवेयर है, एंड वो पार्ट जो नहीं दिखाई देते हैं बट फंक्शन करते हैं इंसान की बॉडी में, वो सॉफ्टवेयर है. ठीक. तो इट मींस दैट सॉफ्टवेयर जो होता है वो क्या होता है, वो इनटेंजिबल होता है या अनटचेबल होता है. ठीक. और नंबर नेक्स्ट चीज आपको याद रखनी है, ब्रीफ में आप याद रखोगे, सॉफ्टवेयर जनरली कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स. तो शॉर्ट में बोले तो सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स, एंड प्रोग्राम्स जो होते हैं आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एंड दे कमांड द हार्डवेयर. वो किसको कमांड करते हैं, हार्डवेयर को कमांड करते हैं. होप इतना आपको समझ आ गया होगा, होप इतना आपको दिमाग में रह गया होगा. तो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए हमारे. तो आगे अगर हम बढ़े तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पे आते हैं हम. जनरली वी से दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स के दो टाइप्स होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंपॉर्टेंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन. अब वर्क डन और इंपॉर्टेंस के बेसिस पे सॉफ्टवेयर को हम दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं. नंबर फर्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड नंबर सेकेंड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ठीक. सो लेट्स वन बाय वन गेट टू ईच वन ऑफ देम. मीन्स एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनके टाइप्स क्या होते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं. तो पहले अगर हमारा आता है, पहले आता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर. देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम ही होता है कंप्यूटर हार्डवेयर को ऑपरेट कराना. सिस्टम से ही पता चलता है यार, सिस्टम से ही पता चलता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कंप्यूटर
मीन्स काम होता है कंप्यूटर हार्डवेयर को ऑपरेट कराना, मीन्स जो कंप्यूटर हार्डवेयर को ऑपरेट कराता है उसको हम जनरली सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर की भी क्लासिफिकेशन होती है, इट्स नॉट अनफ, मीन्स डिफिनेशन खाली काफ़ी नहीं है याद रखने के लिए कि यार ठीक है सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है सिस्टम को, मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर को ऑपरेट कराना, मीन्स इट्स द प्रोग्राम विच इज क्रिएटेड फॉर द सिस्टम एंड टू मेक द सिस्टम यूजर फ्रेंडली। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक, दैट इज डिजाइन टू रन ए कंप्यूटर, मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइप का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो ऑलरेडी आपने देखा होगा, मतलब सुना होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइप का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो डिजाइन किया जाता है टू रन ए कंप्यूटर्स हार्डवर्क एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सिस्टम सॉफ्टवेयर के कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स है, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर्स है, कंपाइलर्स है, इंटरप्रेटर्स है, देर आर एन नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। बट डेफिनेशन काफ़ी नहीं होती है याद रखने की कि ठीक है हमने डेफिनेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर की याद रखी, एक लाइन की डेफिनेशन हमने याद रखी तो बस इट्स अनफ फॉर अस, और इसके टाइप्स याद रखे तो इट्स अनफ फॉर अस, नो इट्स नॉट अनफ, ठीक। तो आगे अगर हम बढ़े तो टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर पे हम पहले आते हैं, ठीक। अब हम पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर करेंगे उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पे, टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, असेंबलर होता है, इंटरप्रेटर होता है, कंपाइलर होता है, डिबगर सॉफ्टवेयर होता है, लोडर होता है, लिंकर होता है, डिवाइस ड्राइवर होता है, या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। देखो समटाइम्स कोई बुक्स ऐसी होती है कि जो कहती है कि सॉफ्टवेयर के तीन टाइप्स होते हैं, फर्स्ट वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सेकंड वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड थर्ड इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। बट माय फ्रेंड्स यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है वो खुद आता है अंडर द कैटेगरी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, यू हैव टू रिमेंबर इट, ठीक। उसके बाद अगर हम आगे चले तो पहले हम आएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ठीक। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को जनरली एक किस्म का इंटरफेस कहते हैं, मीन्स इट इज जस्ट एन इंटरफेस, ठीक। अभी दोस्तों को समझाने की कोशिश करता हूँ, ऑलवेज मैं विद एन एग्जाम्पल, तो इधर भी एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाने की कोशिश करूँगा मैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल आप नदी के इस पार हो, नदी के इस पार हो आप, और ये नदी का इस पार है, ठीक, बीच में नदी बहती है, तो इधर आपका ब्रिज लगा हुआ है। तो व्हाट विल यू डू, अगर आपको इस किनारे से इस किनारे तक आना है तो आप ब्रिज की मदद लोगे, ठीक है। तो ब्रिज कनेक्ट करता है किसको, ब्रिज कनेक्ट करता है इस किनारे को, मींस इस साइड को कनेक्ट करता है विद दिस साइड, ये किसका काम है, ब्रिज का काम है। सिमिलरली ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो भी दैट ब्रिजेस अप द गैप, वो गैप ब्रिज अप करता है बिटवीन ए यूजर एंड ए कंप्यूटर सिस्टम, मींस ऑपरेटिंग सिस्टम ब्रिजेस अप द गैप बिटवीन ए यूजर एंड एन ऑपरेटिंग सिस्टम। और यू आर एफ कह सकते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंट्रोल करता है इंटरनल एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर को एंड प्रोवाइडर्स व्हाट provides user interface। Examples क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, विंडोज है, एंड्रॉयड है, मैकंटोश है, लिनक्स है, दीज आर ऑल, या यूनिक्स है, दीज आर ऑल द डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है। इनके बारे में भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे आगे आगे, ठीक। अभी उसके बाद हम अगर आगे चले तो आगे आता है हमारा असेंबलर, ठीक। अब असेंबलर को समझने से पहले पहले हमें समझना होता है कि ट्रांसलेटर क्या चीज होता है, ट्रांसलेटर जो कि आपने सुना होगा ऑलरेडी। अब इस चीज को भी समझने की कोशिश करेंगे विद एन एग्जाम्पल ताकि हमारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। देखो मेरे दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल मैंने शादी की, ठीक। अब मैं फॉर एग्जाम्पल हिंदी बोल सकता हूं, मैं फॉर एग्जाम्पल उर्दू बोल सकता हूं, और मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, बट मैंने शादी की जर्मनी की लड़की से, ठीक है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ये खाली एक एग्जाम्पल है। मैंने शादी की जर्मनी की लड़की से, अब जब मैंने उससे शादी की, ना उसको हिंदी आती है, ना उसको उर्दू आती है, ना उसको इंग्लिश आती है, उसको खाली जर्मनी आती है, बट मेरे को जर्मनी बिल्कुल भी नहीं आती है, ठीक है कि नहीं है, ये खाली एक एग्जाम्पल है। तो फिर क्या करेंगे हम, तो मीन्स कि हमको कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए किसी का सहारा चाहिए, मतलब बीच में कोई एक ट्रांसलेटर चाहिए जो मैं बात करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं हिंदी में बात करूंगा तो वो उस तक वो ट्रांसलेट करेगा जर्मनी में, और जब वो जर्मनी में बात करेगी तो वो ट्रांसलेट करेगा उसको मेरे लिए हिंदी में या उर्दू में या इंग्लिश में, ठीक। तो इसलिए ट्रांसलेटर का काम होता है यही, ठीक है, मीन्स इट्स द वर्क ऑफ ट्रांसलेटर, ठीक। नाउ फर्स्ट आपके लिए मेरा पास एक क्वेश्चन है कि कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, मींस व्हाट्स द लैंग्वेज दैट्स अंडरस्टूड बाय
कंप्यूटर. तो आंसर भी मैं खुद ही देता हूं, आंसर है मशीन लैंग्वेज, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट बाइनरी लैंग्वेज, जीरो एंड वन की भाषा. ठीक है, मशीन लैंग्वेज आप बोल सकते हो, मशीन कोड आप बोल सकते हो, बाइनरी लैंग्वेज आप बोल सकते हो. ठीक, नाउ इस सवाल का जवाब, ये सवाल मैंने क्यों पूछा, क्योंकि इसी में हमारा असेंबलर का राज छुपा हुआ है. असेंबलर एक ट्रांसलेटर होता है. ट्रांसलेटर आपको पता है, अब असेंबलर एक ट्रांसलेटर होता है जो ट्रांसलेट करता है असेंबली लैंग्वेज को किस लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में, और मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ आती है. ठीक है, मीन्स असेंबलर आप याद रखोगे एक ट्रांसलेटर होता है दैट ट्रांसलेट्स असेंबली लैंग्वेज इंटू मशीन लैंग्वेज. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चले हम. तो आगे आता है हमारा इंटरप्रेटर. ठीक है, अब इंटरप्रेटर और इसके बाद और एक हमारा आता है कंपाइलर, इनको मैं साथ साथ ही डिफाइन करने की कोशिश करता हूं. ठीक है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों को मैं साथ साथ डिफाइन करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि बोथ आर ट्रांसलेट्स, दोनों के दोनों ट्रांसलेटर्स है. ठीक है, ट्रांसलेटर ऑलरेडी हमने समझा कि ट्रांसलेटर क्या चीज होती है. तो दोनों ट्रांसलेटर्स होते हैं विच आर यूज टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इंटू लो लेवल लैंग्वेज. मीन दोनों ट्रांसलेटर्स हैं, इंटरप्रेटर भी और कंपाइलर भी. ठीक है, तो दोनों क्या काम करते हैं, दोनों हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं इनटू लो लेवल लैंग्वेज. ठीक है कि नहीं है. तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में. ठीक, जो जनरली हमारे दिमाग में आता है क्वेश्चन, वो ये कि अगर बोथ ट्रांसलेटर्स है, बोथ ट्रांसलेट करते हैं फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज इंटू लो लेवल लैंग्वेज, फिर दो प्रोग्रामर्स की जरूरत क्यों पड़ी, व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ टू प्रोग्रामर्स, अगर वन वाज सफिशिएंट. ठीक है, अगर एक काम करता है तो दो की जरूरत क्यों पड़ी भाई, मसला तो यह है. तो इसका आंसर यह है, डिफरेंस इन द इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर इज के जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, एंड जो कंपाइलर होता है वो होल ट्रांसलेट करता है. मींस पूरे एक पेज को, मतलब पूरा जो भी हमारे पास होता है वो उसको ट्रांसलेट कर सकता है. अभी सर समझे नहीं, थोड़ा सा एग्जांपल देके समझा सकते हो. फॉर एग्जांपल मैंने कुछ लिखा, टॉपिक लिखा कुछ, इसके चार लाइन्स है, ये लाइन फर्स्ट, ये लाइन सेकंड, ये लाइन थर्ड एंड ये लाइन फोर. ठीक, अभी कंपाइलर का काम क्या होता है, इंटरप्रेटर का काम क्या होता है, इंटरप्रेटर का काम होता है कि वो लाइन बाय लाइन, मींस इस लाइन को मैंने पढ़ा तो इस लाइन को वो ट्रांसलेट करेगा, फिर इस लाइन को ट्रांसलेट करेगा, फिर इस लाइन को ट्रांसलेट करेगा, फिर इस लाइन को ट्रांसलेट करेगा वो. एंड कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर चारों को कंबाइन करके ट्रांसलेट कर ही देगा. ठीक, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेटर एंड व्हाट, एंड कंपाइलर. ठीक है, तो होप यू अंडरस्टूड दिस. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट्स लिंकर. ठीक, अभी लिंकर क्या होता है, लिंकर इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट टेक्स वन आर मोर ऑब्जेक्ट फाइल्स जनरेटेड बाय कंपाइलर. ठीक, देखो लिंकर क्या होता है, लिंकर एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो क्या करता है काम, दैट टेक्स वन आर मोर, जो एक या एक से ज्यादा फाइल्स लेता है, उनको कंबाइन करता है, जो जनरेट करता है कौन, जनरेटेड बाय अ कंपाइलर इनटू अ सिंबल एग्जीक्यूटिव इनटू अ सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल और ऑब्जेक्ट फाइल, एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल और ऑब्जेक्ट फाइल में, ये लिंकर का काम होता है. उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है लोडर. ठीक, अब लोडर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो क्या करता है, जो लोड करता है, किसको और कहां पर, यह समझने की जरूरत है. मींस लोडर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, लोडर से तो ऑलरेडी हमें पता चलता है यार कुछ लोड करता होगा, इसीलिए लोडर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो क्या करता है काम, जो लोड करता है. बट क्वेश्चन इज क्या लोड करता है और किधर लोड करता है. तो आंसर भी सुन लो, लोडर इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच इज यूज टू लोड फाइल्स प्रेजेंट आर लोकेटेड, मीन्स विच आर प्रेजेंट और विच आर लोकेटेड, विच आर or in other words you can say that which are stored on a secondary storage, वहां से करता है कहां पर, into the primary storage. ठीक है, आपको ये याद रखने की जरूरत है. ठीक, फिर से समझाने की कोशिश करता हूं क्योंकि थोड़ी आवाज मेरी डगमगा गई थी बीच में. तो आप ये बात याद रखो कि लोडर का काम होता है क्या, काम होता है लोडर का काम होता है टू लोड द फाइल्स प्रेजेंट और लोकेटेड, मीन्स जो प्रेजेंट होती है या जो लोकेट होती है और जो स्टोर होती है सेकेंडरी स्टोरेज में, और वहां से कहां करता है, इनटू द प्राइमरी स्टोरेज. ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे चले तो आगे आता है हमारा डिवाइस ड्राइवर. ठीक, अब डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, टाइप ऑफ डिवाइस कुछ भी हो सकता है, मीन्स कि डिवाइस ड्राइवर जनरली क्या होता है, इट्स ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ऑपरेट्स और कंट्रोल्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिवाइस. ठीक है, मीन्स ये किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिवाइस को क्या करता है, ऑपरेट करता है या कंट्रोल करता है, जो कंप्यूटर के साथ अटैच होता है. ठीक है, टाइप ऑफ डिवाइस कोई भी कुछ भी हो सकता है. ठीक,
टाइप ऑफ डिवाइस कुछ भी हो सकता है, दैट कुड बी अ फॉर एग्जाम्पल ऑडियो हार्डवेयर या वाईफाई हार्डवेयर भी हो सकता है। उसके बाद अगर हम आगे चले तो आगे आता है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक, अब ये सॉफ्टवेयर क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हेल्प एनालाइज कन्फिगर ऑप्टिमाइज और मेंटेन ए कंप्यूटर। मीन्स ये वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस या स्पीड को एनहेंस करता है। शॉर्ट में याद रखोगे क्या मीन्स? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस या आपकी सिस्टम की स्पीड को एनहेंस करता है, उसको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैकअप सॉफ्टवेयर होते हैं, क्लिपबोर्ड मैनेजर्स, डाटा कंप्रेशन, डाटा सिंक्रोनाइजेशन, डिस्क चेकर्स या डिस्क क्लीनर्स या डिस्क कंप्रेंशन या डिस्क फ्रेगमेंटर्स। जनरली इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन से टाइप के सॉफ्टवेयर है, तो आपको याद रखना है कि यूटिलिटी टाइप के सॉफ्टवेयर है। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे चले तो आगे आता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हर वो सॉफ्टवेयर, देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को समझने की कोशिश करेंगे, हर वो सॉफ्टवेयर जो एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए या किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है बाय द यूजर, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है या उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक, मीन्स कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाया जाता हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन नॉट रन इटसेल्फ और इज डिपेंडेंट। आगे चले तो एग्जाम्पल्स की मदद, एग्जाम्पल्स भी हम समझेंगे, एग्जाम्पल्स से जानने की कोशिश करेंगे। तो आगे अगर हम आते हैं एप्लीकेशन सॉरी एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो हमारे पास एमएस वर्ड है, क्योंकि एमएस वर्ड जो है वो एक पर्टिकुलर काम के लिए बनाया गया है, या एमएस पावर पॉइंट, एक्सेल है, एसएस है, क्रोम है, पेंट है, या वीएलसी है, या टैली है। देर आर एन नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, ठीक है, जो बनाए गए हैं, जो डिजाइन किए गए हो फॉर द स्पेसिफिक टास्क, किसी एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के टाइप्स। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जनरली हॉरिजेंटल सॉफ्टवेयर्स होते हैं एंड वर्टिकल सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ठीक, समझने की कोशिश करेंगे, वो सॉफ्टवेयर जो आमतौर पर पब्लिक डोमेन को कवर करने के लिए बनाए जाते हैं, मीन्स जिनको पब्लिक डेली लाइफ में यूज करती है, मतलब जो आम पब्लिक के लिए बनाए जाते हैं, दैट आर हॉरिजेंटल। ठीक है, इनको पैकेड सॉफ्टवेयर के, इनको पैकेड सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल आप भी डेली अपनी रोजमर्रा की लाइफ में बहुत सारे सॉफ्टवेयर चलाते होंगे, मीन्स जो ऐसे सॉफ्टवेयर्स आपको मिलते हैं जो पब्लिक के लिए, पब्लिक के इस्तेमाल करने के लिए अवेलेबल होते हैं, दैट आर अवेलेबल फॉर द पब्लिक, दैट द पब्लिक यूजेस इन द डे टू डे लाइफ, दे आर फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ हॉरिजेंटल सॉफ्टवेयर्स। एंड रिमेंबर, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हॉरिजेंटल सॉफ्टवेयर्स में कौन से आते हैं? ऑफिस फॉर एग्जाम्पल, ऑफिस एक मीन्स ये एप्लीकेशन सूट है जिसमें बहुत सारे आते हैं, मीन्स फॉर एग्जाम्पल इसमें आता है हमारा वर्ड आता है, एक्सेल आता है, या पावर पॉइंट आता है, जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में मीन्स दैट आर अवेलेबल फॉर द पब्लिक, जो हर कोई यूज करता है, या फोटोशॉप करते हैं, टैली करते हैं, मींस कि इनको पैक्ड सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, आपको याद रखना है। एंड दे आर अवेलेबल फॉर द पब्लिक, ये पब्लिक के लिए मतलब अवेलेबल होते हैं, जिनको पब्लिक अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करती है। एंड देन कम्स वर्टिकल सॉफ्टवेयर। अब वर्टिकल सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? वर्टिकल सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये मीन्स वो स्पेसिफिकली मीन्स सॉरी स्पेसिफिकली बनाए जाते हैं फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनी इंडिविजुअल। ठीक है, जैसा मीन्स फॉर एग्जांपल जैसे कोई एक सॉफ्टवेयर जिसको बैंक यूज करता है, तो वो सॉफ्टवेयर हमारी वर्टिकल सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में फॉल होता है। ठीक, इनको कस्टमाइज्ड या टेलर्ड सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, आपको याद रखना है। मींस अब ये तो सिंपल सी बात है, हॉरिजेंटल सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जो सब यूज कर सकते हैं, वर्टिकल सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जिनको कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल यूज करता है। फॉर एग्जांपल बैंक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यूज करती है, तो वो आता है वर्टिकल सॉफ्टवेयर में। फॉर एग्जांपल कोई एक सॉफ्टवेयर जो आप अपनी इंडिविजुअल लेवल पे यूज करते हो, मींस कोई और यूज नहीं करता है, तो वो भी फॉल होता है वर्टिकल सॉफ्टवेयर में। फॉर एग्जांपल वर्ड आप भी यूज करते हो, आपका दोस्त भी यूज करता है, आपका फ्रेंड भी यूज करता है, आपका रिलेटिव भी यूज करता है, तो दैट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हॉरिजेंटल सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आगे अगर हम बढ़ने की कोशिश करें तो उसके बाद आते हैं हमारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को जानने की कोशिश करेंगे। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका सोर्स कोड
एडिटेबल होता है। देखो सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड होता है, और जिन सॉफ्टवेयर्स का सोर्स कोड एडिटेबल होता है, मीन्स जिसको हम एडिट कर सकते हैं, ठीक है। देखा, मीन्स कोई भी प्रोग्रामर जो होता है वो अपना सोर्स कोड नहीं देता है जनरली, मीन्स जनरली जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर कोड बिल्कुल भी नहीं देते हैं, ठीक है। सोर्स कोड मतलब वो कोड लिखा जाता है प्रोग्रामर के थ्रू, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर या प्रोग्रामर ये कोड देता है और हम उसको अपनी मतलब मर्जी से मॉडिफाई या एडिट कर सकते हैं, मीन्स सॉफ्टवेयर को या प्रोग्राम को हम अपनी मर्जी से एडिट कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी वो कोड जो एडिटेबल होता है उनको हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में कहते हैं, मतलब फ्रीली अवेलेबल एंड इजिली मॉडिफाइड, ठीक है। मीन्स द सॉफ्टवेयर्स दैट आर फ्रीली अवेलेबल एंड कैन बी इजिली मॉडिफाइड दैट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, इसके एग्जांपल्स आ रही हमने दिए हैं, लिनक्स है, एंड्रॉइड है, एक्सेट्रा। उसके बाद होता है फ्री ईयर सॉफ्टवेयर, ठीक। अब फ्री ईयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, नाम से ही पता चलता है कि दे आर फ्री एंड वी डू नॉट नीड टू परचेज देम, मतलब फ्री में ही डाउनलोड या इंस्टॉल किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप भी डिफरेंट अपनी मतलब लाइफ में ऐसे सॉफ्टवेयर देखते हो, आपने फ्री में डाउनलोड किया, उसको इंस्टॉल किया, तो वो फॉल होते हैं फ्री ईयर कैटेगरी में, ठीक है। उसके बाद आगे चले तो हमारा आता है शेयरवेयर कैटेगरी। अब शेयरवेयर कैटेगरी क्या होता है, दैट इज फ्री ऑन ट्रेल बेसिस एंड आफ्टर दैट वी हैव टू पे फॉर इट। मीन्स कि जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आप शोरूम में जाते हो, शोरूम में क्या बोला आपने, अरे यार मुझे इसका थोड़ा ट्रेल करना है, ट्रेल करने के बाद फिर आपको खरीदना है वो, ठीक है। तो ट्रेल करने के बाद आपको बोलता है नहीं यार आपको तो अब खरीदना है, ठीक। तो इसी तरह शेयरवेयर सॉफ्टवेयर्स भी जो होते हैं वो भी होते हैं, मतलब दैट्स फी ऑन ट्रेल बेसिस, ट्रेल बेसिस पे दिया जाता है फ्री वो, एंड आफ्टर दैट हमें उसके लिए पे करना होता है। उसके बाद आता हमारा नैगवियर सॉफ्टवेयर। नैगवियर सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो इरिटेट करता है। अब किसी मतलब जनरली सॉरी मीन्स ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमें इरिटेट करते हैं, कैसे इरिटेट करते हैं, क्योंकि बार बार जनरली देखो आपके सामने एक पॉपअप आता है, मीन्स आप बैठे हो तो आपके सामने एक पॉपअप आया तो उस पर क्या लिखा है, तो इस सॉफ्टवेयर को परचेज करो या ये सॉफ्टवेयर अपडेट करो, या वो पॉपअप एक्चुअली क्या होता है, दैट आर जनरली दैट सॉर्ट ऑफ रिमाइंडर्स होते हैं, एंड इन सॉफ्टवेयर्स को हम नैगवियर सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। नैगवियर सॉफ्टवेयर को जनरली बैगवियर भी कहा जाता है, एनोईवियर भी कहा जाता है, या नैग स्क्रीन भी कहा जाता है इन सॉफ्टवेयर्स को, ठीक है। मीन्स दीज सॉफ्टवेयर जनरली इरिटेट, ये हमें इरिटेट करते हैं, ठीक। उसके बाद आता है हमारा मैलवियर सॉफ्टवेयर, ठीक। जनरली मैलवियर सॉफ्टवेयर के बारे में हमने एक पूरा लेक्चर दिया हुआ है, वो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं आप वो देख सकते हो। और मैलवियर क्या होता है, इट्स अ प्रोग्राम दैट्स क्रिएटेड फॉर रॉन्ग इंटेंशंस। एक ऐसा प्रोग्राम मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो बनाया जाता है गलत इरादों से, ठीक है, इसको हम मैलवियर कहते हैं। फॉर एग्जांपल वायरस, ट्रोजन्स एट्सेट्रा, ये मैलवियर्स कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा कुछ जानने की कोशिश। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले मैकंतोश ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक। मैकंतोश ऑपरेटिंग सिस्टम को हम जनरली क्या कहते हैं, मैकंतोश ऑपरेटिंग सिस्टम जनरली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डेवलप्ड बाय एप्पल, ठीक है। तो फर्स्ट वर्जन क्या था मैकंतोश ऑपरेटिंग सिस्टम का, 1.0 था। इनबिल्ट ब्राउजर कौन सा होता है, सफारी होता है। डिफरेंट वर्जन ऑफ मैकंतोश जो एग्जाम में आते हैं, फॉर एग्जांपल चीता, जगुआर, पैंथर, लीपर्ड, मीन जिधर भी आपने देखे ना जानवर टाइप के नाम, तो आप याद रखना कि दे आर मैकंतोश ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जानवर टाइप के नाम होते हैं क्योंकि ये एग्जाम्पल्स जनरली एग्जाम में पूछी जाती है, उसके रिलेटेड पूछा जाता है हमें कि क्या है। उसके बाद यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स इज अ फैमिली ऑफ मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम रिटन इन, ये किस में लिखा जाता है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एंड असेंबली लैंग्वेज में, ठीक है। डेवलप्ड एट बिल लैब्स रिसर्च सेंटर बाय कैन थॉम्पसन, डेनिस रिची एंड अदर्स, ये हमें याद रखना है। जितना हमें याद रखने की जरूरत है उतना मैंने सारा कुछ कवर किया है, देर इज नथिंग टू वरी अबाउट। उसके बाद लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, ये होता है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक, एंड एन ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाई लिनस टॉरवाल्ड्स, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बारे में सबने सुना होगा। एंड्रॉइड इज ए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो किसने डेवलप किया, गूगल ने डेवलप किया। इट्स यूज्ड बाय सेवरल स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स। फर्स्ट वर्जन क्या था, 1.0 था। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स पे अगर हम आए तो पहले आता है हमारा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है एक बार में एक ही यूजर कैन ऑपरेट दैट पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि एमएस डॉस। ओनली वन हैज टू डील विद द रिक्वेस्ट्स ऑफ ए सिंगल पर्सन यूजिंग द कंप्यूटर एट दैट टाइम, मींस एक बार में एक यूजर इस्तेमाल कर सकता है, उसको हम बोलते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। उसके बाद अगर हम आगे आ जाए तो आगे आता है हमारा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल उसका अपोजिट है, इज एन कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउज मल्टीपल यूजर्स ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स आर टर्मिनल्स। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल्स दी हुई है नीचे। उसके बाद हमारा आता है सिंगल टास्किंग, और क्या, सिंगल यूजर अलग होता है, सिंगल टास्किंग अलग होता है, ठीक है। सिंगल टास्क, सिंगल यूजर इज डिफरेंट, मल्टीपल यूजर इज डिफरेंट। फिर उसके बाद सिंगल टास्किंग इज डिफरेंट, मल्टीपल टास्किंग इज डिफरेंट, ठीक है। आप याद रखोगे एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है एक वक्त पर एक यूजर, एंड सिंगल टास्किंग मीन्स सिंगल टास्क, ठीक है। जनरली समझने की कोशिश करो, सिंगल यूजर का मतलब होता है कि एक टाइम पे एक ही यूजर, यूजर तो बहुत सारे काम कर सकता है ना, इट्स नॉट नेसेसरी कि एक यूजर एक ही काम करे, एक यूजर तो बहुत सारे काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप घर में बैठे हो, आप एक हो तो आप बहुत सारे काम कर सकते हो, मीन्स लिख सकते हो, गाना गा सकते हो, दूसरे कोई चीज भी कर सकते हो, तो ये मीन्स कि एक यूजर डिफरेंट काम कर सकता है। तो इसी तरह सिंगल यूजर का मतलब होता है, जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका मतलब होता है कि एक वक्त पर एक ही यूजर, एंड सिंगल टास्किंग का मतलब होता है कि एक वक्त पर एक काम, ठीक है, और मल्टीपल का मतलब होता है एक वक्त में बहुत सारे काम, ठीक है। तो ये आपको समझने की जरूरत होती है। उसके बाद नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम पे आते हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिन्हें हम सर्वर्स पे इंस्टॉल करते हैं, एग्जांपल विंडोज एनटी, विंडोज सर्वर्स एटसेट्रा, ठीक। उसके बाद रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे, तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमको रियल टाइम प्रोसेसिंग प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड इन द एटीएम मशीन्स एटसेट्रा, ठीक है। उसके बाद बूटिंग क्या होती है, ठीक। अब दोस्तों बूटिंग इज जनरली ए प्रोसेस ऑफ स्विचिंग ऑन ए डिजिटल डिवाइस वेरी थ्रू, ठीक है। मीन जनरली हम क्या बोलते हैं, बूटिंग जनरली होता है प्रोसेस ऑफ स्विचिंग ऑन द डिजिटल डिवाइस, इसको हम बूटिंग बोलते हैं, बट तब तक जब तक आप मिडिल स्कूल के बच्चों को डिफाइन करती हो, ठीक है। सो व्हाट इज बूटिंग, बूटिंग इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ लोडिंग बूटेबल फाइल्स फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज टू द प्राइमरी स्टोरेज, ठीक है। मीन्स बूटिंग एक प्रोसेस होती है ऑफ लोडिंग बूटेबल फाइल्स, कहां से, फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज टू द प्राइमरी स्टोरेज। एंड जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ बूटिंग, बूटिंग की दो टाइप्स होती है, वन इज कूल्ड बूटिंग एंड सेकेंड इज वार्म बूटिंग, ठीक है। व्हेन वी स्टार्ट अ सिस्टम और व्हेन एवर वी स्विच ऑन एनी डिजिटल डिवाइस, जब हम क्या करते हैं, जब हम सिस्टम को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और व्हेन एवर वी स्विच ऑन एनी डिजिटल डिवाइस इन दैट केस बूटिंग विल बी कूल्ड बूटिंग, ठीक है। व्हेन वी रिज्यूम अवर सिस्टम फ्रॉम स्लीप मोड, हाइबरनेटर रिस्टार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम वार्म बूटिंग बोलते हैं। देखो, टू परफॉर्म कूल्ड बूटिंग आल्सो नोन एज हॉट बूट मींस टू स्टार्ट ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर को स्टार्ट करना, दैट इज टर्नड ऑफ, ठीक है। कूल्ड बूटिंग को समझना, इसको समझने की जरूरत है। मींस टू स्टार्ट ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर को मींस फॉर एग्जांपल मेरा कंप्यूटर सिस्टम बंद है तो मैंने उसको स्टार्ट किया, तो इसको मैं कूल्ड बूटिंग बोलूंगा, ठीक है। इट्स ऑफन यूज्ड कंट्रास्ट ऑफ वार्म बूटिंग, वार्म बूटिंग क्या होता है, विच रेफर्स टू रिस्टार्टिंग ए कंप्यूटर वंस इट हैज बीन टर्नड ऑन, मींस जो कंप्यूटर सिस्टम ऑन ही हो उसको रिस्टार्ट करना, ठीक है। ए कूल्ड बूट इज टिपिकली परफॉर्मड बाय प्रेसिंग द पावर बटन ऑफ द कंप्यूटर, जनरली जो कूल्ड बूटिंग होती है वो क्या होता है, जनरली उसमें हम पावर बटन को प्रेस करते हैं ऑन करने के लिए, बट वार्म बूटिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जनरली whenever we resume our system from sleeping mode or from hibernation or we restart it, तो वो आता है हमारा warm booting में, ठीक है। उसके बाद मेरे दोस्तों few of the important MCQs, hope you liked the video, hope इसके related सारा कुछ आपको समझ आ गया होगा, अगर समझ आ गया होगा तो do press the like button, ठीक है। पहला वाला question, software refers to the physical components that a कंप्यूटर इज मेड ऑफ, फर्म वर्म, प्रोग्रामर्स, पीपल वियर, नन ऑफ द अबो, तो ये सबको पता होगा कि प्रोग्राम्स है। ए कंप्यूटर कैनॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द
कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता अगर इसमें क्या ना हो, ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो. उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है, द डैश मैनुअल टेल्स यू हाउ टू यूज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम. आपको एक मैनुअल बोलता है कि कौन सा मैनुअल आपको बोलता है कि आपको सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज करना है, तो मीन्स यूजर मैनुअल हमें बोलता है. व्हाट डज द एक्रोनियम BIOS स्टैंड फॉर? BIOS किससे मतलब क्या स्टैंड करता है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है. तो उसके बाद नेक्स्ट वाला हमारा है टेक्स्ट एडिटर इज ए एंड. टेक्स्ट एडिटर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, या ऑल पर्पज सॉफ्टवेयर होता है. तो टेक्स्ट एडिटर इज ए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. उसके बाद नेक्स्ट वाला, द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू क्रिएट टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स आर रेफर्ड टू एज, उनको हम क्या बोलते हैं, DBMS बोलते हैं, सूट्स बोलते हैं, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर या वर्ड प्रोसेसर्स. तो ये सबको पता है कि उनको हम वर्ड प्रोसेसर्स बोलते हैं. उसके बाद नेक्स्ट वाला जो हमारा है वो है डैश इज ए विंडोज यूटिलिटी प्रोग्राम डेट लोकेट्स एंड एलिमिनेट्स अननेसेसरी फ्रेगमेंट्स एंड अरेंजेस फाइल्स एंड अनयूज टू डिस्क स्पेस ऑप्टिमाइज ऑपरेशन. उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डिस्क फ्रैगमेंटर. तो नेक्स्ट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू टर्न डाटा इनटू, डाटा को किस में कन्वर्ट करना, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना. हमने पिछले लेक्चर्स में रिपीटेडली बोला है, केस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको हर किसी कंप्यूटर सेक्शन की वीडियो की लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके जो आपको देखना है वो आप देख सकते हो. उसके बाद ऑब्जेक्ट नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रोग्राम इज डिजाइन्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क रिलेटेड टू मैनेजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज आर कॉल्ड, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, हेल्पर बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये तो अब पता होगा आपको, उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं. फिर द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ, ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्या होता है, ठीक है, एप्लीकेशन होता है, वर्ड प्रोसेसर, कम्युनिकेशन या सिस्टम होता है. तो जनरली क्या होता है, अभी तो पढ़ा था हमने, सिस्टम होता है, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कौन सी एग्जांपल नहीं है? वर्ड प्रोसेसिंग, बिल्कुल, ये तो एप्लीकेशन क्योंकि स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है. स्प्रेडशीट ये भी है, डाटाबेस भी है, ग्राफिक्स भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, तो हमारा ऑप्शन यही है. उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है डैश इंक्लूड्स, डैश इंक्लूड्स बूट फर्मवेयर एंड पावर मैनेजमेंट, ठीक. तो क्या आएगा इसका, इसका आएगा सीडी रोम आएगा, इंटरनल बस आएगा, बायोस आएगा या चिपसेट आएगा, तो बायोस आएगा, ठीक है. द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द इनटेंजिबल इंस्ट्रक्शंस दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू, ठीक है, क्या करना है. तो उसको क्या बोलते हैं हम जनरली, ये तो पता होगा आपको, उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सॉफ्टवेयर है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर या माउस, इसका आंसर आप खुद देखोगे, ये तो इतना आसान है, कमेंट्स में लिख के बता दीजिएगा. द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर वर्क्स विद द एंड यूजर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर टू हैंडल द मेजॉरिटी ऑफ द टेक्निकल डिटेल्स, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर. चलो आज ये भी आपके लिए टास्क ही रखेंगे, इसे थोड़ा बहुत अब सर्च भी कर लोगे, ठीक है. तो थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू फॉर लविंग मी एंड थैंक यू फॉर योर एनॉर्मस सपोर्ट. मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास अल्फाज नहीं है आपका थैंक यू अदा करने के लिए, क्योंकि आप बहुत सपोर्ट करते हो, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो अपने इस भाई को, अपने इस दोस्त को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो. इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा, इसी तरह दुआएं देते रहिएगा, मुझे बस आपकी दुआओं की ज़रूरत है, मुझे वो चाहिएगा, ठीक है. तो सो अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वाले कंप्यूटर रिलेटेड वीडियोज़ नहीं देखे हैं मेरे दोस्तों, तो आप एक काम कीजिएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, उधर आपको लिंक मिलेगी कंप्यूटर सेक्शन की हर किसी वीडियो की, आप उन पर क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हो. बट जाने से पहले प्लीज कमेंट सेक्शन में बता के जाना कि लेक्चर कैसा लगा. थैंक यू ऑल, लव यू ऑल.